गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, मस्ती वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम कहीं जा रहे तो ये हमारी पैकिंग हो रही है एंड इतने सारे मेरे कपड़े हमने और भी अंदर घुसाए हैं। लेकिन मैं इसको रख रही हूँ। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, आप लोग गेस करो कहाँ जा सकते हैं। इसलिए आपको पूरा व्लॉग एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है। ये देखिए मेरे कितने सारे, ये मेरे जीन्स वगैरह, ये फ्रॉक भी रखो, मेरे लिए एडवांस ये वाले तो पहन जाओगी ना। और मेरे वहां के लोग जरूर देखना, देखवाओगे जी बंद कर, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। मैं आपको पूरा काम दिखाऊंगी। ये मेरी मैं रेडी हो चुके हूँ एंड अभी हम थोड़ी देर से जाएंगे, मेरे पापा रेडी हो रहे, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। गाइस अभी हम जा रहे हैं हम लोग कभी जा रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, राजा के पापा लॉक लगा रहे हैं एंड हम लोग जा रहे हैं बाइक से एंड मम्मी भी जा रही हैं। मम्मी बाय, बाद में मिलेंगे। तो मम्मी और शान भी जा रही हैं, मामा लेने आए हैं, नानी के घर जा रही हैं और हम लोग जा रहे हैं दादी के घर। ओ गाइस मैंने बता दिया, हम लोग दादी के घर जा रहे हैं। चल पूरा व्लॉग, थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग रुके यहाँ समोसा खाने। तो मेरा समोसा आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए गाइस मेरा समोसा आ गया, मैं बहुत टेस्टी है समोसा। मैं पापा 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 भी समोसा खा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर से अभी हम लोग बुआ को लेने जाएंगे, बुआ भी हमारे साथ। इतना टेस्टी समोसा है यहाँ। अच्छा तो मैं चली, फिर हम जाएंगे यहाँ से गाँव, हमने नाश्ता तो कर लिया। अच्छा तो मम्मी अकेले निकल गई, कहीं पहले से बोल देते तो। पापा पापा अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ बोलो तो, अपना काम कहाँ करता है? सिंध नदी है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, हम लोग उसी पुल पे से निकलेंगे, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ठीक है मामा, मिल गए। बुआ ने इतना वेट करवाया, पानी पीना। हां बोलो लिया। आप कौन सी बोतल लाए? मैं तो छोटी सी ले आई, मैं भी छोटी सी ले आई। चल बैठो, ये रही बुआ मेरी। अच्छा हवन भी डाल देंगे। ये पापा मेरे अंदर 2 मिनट के लिए बैठे क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म हो रही है। हम लोग आ गए हैं बैंड बैंड जिला ग्वालियर, बैंड जिला ग्वालियर हम लोग यहाँ आ चुके हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हैं,
फिर हम लोग यहाँ से निकले। बुआ हम लोग क्या पी रहे हैं? जूस पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, शुगर के इनका जूस पी रहे हैं हम लोग। यहाँ शाम में खड़े हो गए, बहुत धूप है और अभी हम लोग सीधे जाएंगे। देखिए रास्ते में कितना सुंदर व्यू है, देख सकते गाइस इधर भी है। और तब भी यहाँ से अच्छा आ रहा है ना? देखिए गाइस तो ये हमारी नदी है, देखिए गाइस कितनी अच्छी नदी है। आपने बता दिया, पापा बता रहे हैं। और गाइस देखिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। ये काली माता का मंदिर है और ये सामने दिख रहा है ये बालाजी महाराज का मंदिर है और ये दिख रहा है इधर ये गौमुखी का मंदिर है और ये बलखंडेश्वर का मंदिर है, बलखंडेश्वर महादेव का मंदिर है, ये ब्रिज है और ये सिंध नदी है, श्यामा का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सनक नंदन सनन कुमार ये दोनों भाई हैं और सब नदियों का वहनज है, सब नदियों के वहनज हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मेला भी भरता है, दीपावली के बाद ये पूनम पड़ती है, यहाँ पर ये मेला लगता है, एक महीने मेला लगता है। ये देखिए छोटी छोटी मछली तैर रही है इसमें पानी में। देखिए कितनी अच्छी नदी है, देखिए ब्रिज ही। अभी हम लोग इस पे से आए थे, हम लोग नदी के पास आ चुके हैं, सिंध नदी। तो अभी मैंने जैसा कि आपको दिखाया था वो
अभी पापा गए मोटरसाइकिल रखने, अभी हम आपको पूरी नदी दिखाते हैं। ये थोड़ी सी नदी, तो हम उसके पास जा रहे हैं। दतिया जिले के सिंध नदी पर मैं आया हूँ अपने जन्म स्थान पर। दतिया जिले के सिंध नदी पर श्यावड़ा तीर्थ स्थल पर आए हैं। यहाँ सनक नंदन सनन कुमार ये सब नदियों का भानेज है। ये कितना अच्छा नज़ारा देखता है। ये पुल टूट गया था बाढ़ में, ये देखिए गाइस। ये काली माता का मंदिर है, ये देख ली। ये गौमुखी का मंदिर है सामने, ये दिख रहा है गौमुखी का मंदिर है। ये बालाजी महाराज का मंदिर है, ये बालाजी महाराज का। यहाँ पर सिंध नदी की ये धार होती है ना, पानी की धार, ये कभी टूटती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। ये वहाँ देखो, ये धार बह रही है झरना जैसा। और देखिए गाइस, यहाँ लोग नहा रहे हैं और ये पापा खड़े हैं। ये देखिए गाइस, तुम खड़ी हो ले अंदर, मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये दतिया जिले के श्यावड़ा तहसील में सनकुआ है। एक सनक नंदन सनन कुमार, ये दोनों भाई हैं, सब नदियों के भानेज हैं। ये देख लिए, ये धार कभी टूटती नहीं है, कितनी भी गर्मी पड़ती रहे ये कभी टूटती नहीं है। ये सामने दिख रहा है, ये धार के बगल में ये गौमुखी का मंदिर है। इसमें से गौमुखी के मुंह से पानी निकलता है हमेशा। ये देखिए, ये सनकुआ है, इसमें इतनी गहराई कि कभी ये सूखता नहीं है। इसमें बताते हैं लोग कि इसमें नौ खाट का बांध इसके अंदर डाला तो इसमें पता नहीं कितनी गहराई है, इसमें पानी की कितनी गहराई है। हाँ, ये देख लीजिए, सिंध नदी है श्यावड़ा तीर्थ स्थल पर। ये देख लीजिए, श्यावड़ा सनक नंदन सनन कुमार, ये सनकुआ है। ये सामने दिख रहा है पहाड़ी पर, ये वलखंडेश्वर का मंदिर है। नहा रहे, तो ये सामने मंदिर दिख रहा है, ये बालाजी का मंदिर है, ये बालाजी का मंदिर है। ये सामने कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। इसके बाद ये सामने ये दिख रहा है, ये काली माता का मंदिर है। इसमें कभी ये जैसे बाढ़ आ जाती है तो ये काली माता का मंदिर कभी डूबता नहीं है, ये हमेशा पता नहीं प्राकृतिक से बढ़ता रहता है। जितनी भी बाढ़ आती है ये बढ़ता रहता है, ये कभी डूबता नहीं है। ये देख लीजिए सामने ये पुल है, ये बाढ़ में टूट गया था। हाँ, एक इसमें इसके बगल में एक छोटा सा पुल है, इसमें हम लोग निकलती रहती है। गांव की सिंध नदी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलती है सुबह, तो ये नाव है ना, तो अभी इसमें इतने सारे लोग बैठ के जाते हैं। पूरा ये घुमाती है, यहाँ पूरी नदी घुमाती है। आप मार्केट में है अभी, आप यहाँ से दादी का घर कितनी दूर है? 25 का नाम आ रहा है।
दादी के घर की रास्ता आ गई। तो गाइस ये रही गली दादी के घर की। ये आ गई, देखिए गाइस कितना पूरा सजा है। और गाइस ये मेरे बाबा, देखो बाबा जाने का कर रहा है, बाबा मेरे काम कर रहे हैं बाबा। देखिए गाइस ये मेरी गाड़ी का गाइस, दादी के घर आ चुके हैं एंड अभी बाबू बाहर काम कर रहे थे। बाबा ये भी काम कर रहा है, देख ले बाबा भाई। बाबा काम करते हैं पूरे दिन, बच्चे खेल रहे हैं। ये रे मेरी दादी, ये भाई दादी है, ये दादी है मेरी, ये बेचारी पूरे दिन काम करती रहती। और ये देखो ये मेरे भाई हैं, कहाँ है देखो, ये मेरा भाई है, ये इसका नाम कर लिए। ये नैतिक है। अभी अभी कल के ब्लॉग में हम आपको पूरा गांव दिखाएंगे एंड डक भी दिखाएंगे। क्यों नैतिक दिखाएंगे? इधर हम डक दिखाएंगे सबको, दिखाओगे? हाँ हाँ। चलो गाइस बस आज के लिए इतना ही, एंड कल का ब्लॉग देखना बहुत मस्ती वाला होने वाला है। तो कल हम लोग जाएंगे अलग जगह, तब तक के लिए बाय।